राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अबंडबल डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मान लीजिए कि 9 मई को दाऊद के बहुत सारे गुर्गों की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए ने जिस तरह की कार्रवाई शुरू की है, उससे यकीनन दाऊद की मुश्किलें बढ़ेंगी। सोमवार सुबह से ही मुंबई में अबंडबल डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए लोगों पर एनआईए की छापेमारी जारी। मुंबई में 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ कार्रवाई की है और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एनआईए की कार्रवाई दाऊद के लिए बहुत बड़ी चोट मानी जा रही है। जांच एजेंसी ने एक साथ मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मुंब्रा, भिवंडी, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज समेत अन्य जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि इस छापेमारी में मुंबई के प्रसिद्ध माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी के घर पर भी एनआईए ने रेड मारी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके खिलाफ टेरर फंडिंग और डी गैंग से जुड़े लोगों से जमीन का सौदा करने का आरोप लगाया था। अब एनआईए ने उनके सहयोगी सोहेल खंडवानी पर कार्रवाई कर डाली है। खंडवानी के माहिम स्थित घर पर 9 मई की सुबह से ही कार्रवाई जारी है। खंडवानी के घर के बाहर सुबह से ही सीआरपीएफ का कड़ा पहरा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के खिलाफ आज फुल एक्शन दिखाया है। 1993 मुंबई धमाकों से संबंधित लोगों के 3 ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े शार्प शूटर्स, ड्रग स्मगलर्स और हवाला ऑपरेटर्स जैसे दाऊद के करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। 1993 बम धमाकों से संबंधित 2 लोग और एक बिल्डर के खिलाफ भी एनआईए ने एक्शन तेज किया है। इस बारे में जब एनआईए से बात की गई तो एनआईए ने कहा, कई ड्रग्स पेडलर्स और हवाला कारोबारियों के तारांडवल से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में फरवरी में ही केस फाइल कर दिया गया था, अब कार्रवाई कर रहे हैं। एनआईए के मुंबई में ताबड़तोड़ एक्शन में कई अहम दस्तावेज हाथ लगने की भी बात सामने आई है। एनआईए ने मुंबई के भिंडी बाजार इलाके से छोटा शकील के साथ सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट को भी डिटेन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अबंडबल डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी इस साल के फरवरी में एनआईए को सौंपी थी। एनआईए आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इससे पहले ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। अब एनआईए ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एनआईए को सिर्फ दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की आतंकी गतिविधियों की जांच के साथ अबंडबल डॉन के गुर्गे छोटा शकील, इकबाल मिर्ची जिसकी मौत हो चुकी है, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, दाऊद की बहन हसीना पारकर जिसकी मौत हो चुकी है, से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में जांच करने का भी निर्देश दिया गया था। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े गुर्गों के खिलाफ यूएपीए के तहत पहले भी मामले दर्ज हैं। अब एनआईए भी इसी के तहत कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम इंडिया में टेरर फंडिंग, नाको टेरर, ड्रग स्मगलिंग और फेक करेंसी का व्यापार कर आतंकवाद फैलाने के काम में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए ने आज जो कार्रवाई शुरू की है उसका अंत कहां और कैसे जाकर होता है। वैसे आपका एनआईए की कार्रवाई के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।